नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर इमेज। तो मिरर इमेज से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में अभी 19 दिसंबर को RPF का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर इमेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी आकृति जैसे कि दी हुई होती है, जैसे कि ये चिन्ह दिया हुआ है, बीच में मिरर दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें आकृति की बतानी होती है कि कैसा मिरर इमेज बनेगा। ओके, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि मिरर इमेज से बहुत ही रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साधारणता दर्पण किसी आकृति के दाएँ या बाएँ ओर होता है। ओके, जैसे कि कोई दर्पण है, या तो दाएं होगा या तो बाएं होगा। ओके, यदि प्रश्न की दर्पण की स्थिति ना दी गई हो तो ऐसी स्थिति में दाहिने तरफ दर्पण की कल्पना करके प्रश्न को हल करते हैं। ओके, मतलब जब प्रश्न दर्पण की स्थिति ना दी हो तो दाहिने तरफ हम लोग दर्पण की स्थिति की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखा मानते हैं और यहाँ पे आकृति को बना लेते हैं। ओके, अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का जो दायां और बायां भाग होता है एक दूसरे से परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे कि ये एरो है, एक दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? तो ये देखिए, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, तो ये लेफ्ट वाला है राइट में आ जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, तो कैसा बनेगा इधर? ओके, तो ये देखिए लेफ्ट था तो यहाँ राइट आ गया और ये वाला इधर आ गया तो ये लेफ्ट हो गया। यहाँ पर अपने आप को खड़े होकर मान लीजिए। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का जो ऊपर व नीचे का भाग स्थित होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे कि एक, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग टॉप टू बॉटम ये स्थिर रहता है, ये वाले इधर से इधर इमेज परिवर्तित होते हैं। अगला देखिए, दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब जो होता है मूल आकृति के समरूप होता है, क्योंकि जैसे कि एक दर्पण प्रतिबिंब है, तो जैसे कि एक चिन्ह है तो ये एक मीटर की दूरी है, तो मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एक ही मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ओके, ये खासियत होती है। अगला देखिए क्या है पॉइंट, यदि प्रश्न में दर्पण किसी आकृति के ऊपर या नीचे की ओर होता है तो दर्पण प्रतिबिंब जो जल प्रतिबिंब के समान बनता है। कि जैसे कि देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब है तो ये एक चिन्ह है, तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे, मतलब मिरर वाटर इमेज की तरीका बनेगा। ओके, मतलब टॉप टू बॉटम चेंज होंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ अल्फाबेट हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए ए का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए ही। तो देखिए बी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब पलट जाएगा। ओके, राइट वाला लेफ्ट में चले जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। तो सी का देखिए कैसा बनेगा, डी का देखिए ऐसे बनेगा, ई का देखिए ऐसे बनेगा, एफ का ऐसे बनेगा, जी का ये बनेगा, एच का सेम रहेगा और आई का सेम रहेगा, जे का चेंज हो जाएगा, के का चेंज हो जाएगा, एल का चेंज होगा, एम का वही रहेगा। अब देखिए एन का भी चेंज हो जाएगा, ओ का वही रहेगा, पी का चेंज हो जाएगा, क्यू का चेंज हो जाएगा, आर का, एस का, टी का वही रहेगा, यू का वही रहेगा, बी का भी रहेगा, डब्ल्यू का भी वही रहेगा, एक्स का भी वही रहेगा, वाई का भी वही रहेगा और जेड का चेंज हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल लेटर में कैसे दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए स्मॉल ए का देखिए ये बनेगा, बी का ये बनेगा, सी का ये बनेगा, डी का ये बनेगा, ई का देखिए ये बनेगा, एफ का ये रहेगा, जी का ये रहेगा, एच का ये रहेगा, आई का वही रहेगा। ओके, जे का चेंज हो जाएगा के का, एल का भी वही रहेगा सेम, एम का भी वही रहेगा, एन का भी चेंज हो जाएगा, ओ का वही रहेगा, पी का चेंज हो जाएगा, क्यू का, आर का भी चेंज हो जाएगा, एस का, टी का भी, यू का भी और बी का वही रहेगा, डब्ल्यू का वही रहेगा, एक्स का वही रहेगा, वाई का चेंज हो जाएगा और जेड का भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए कुछ गिनती हैं, मतलब कह सकते हैं संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए एक का दर्पण प्रतिबिंब इस टाइप का बनेगा, दो का ऐसे बनेगा, तीन का ऐसे बनेगा, चार का इस टाइप का बनेगा, पाँच का इस टाइप का बनेगा और छः का इस तरह का बनेगा, सात का भी इसी तरह का बनेगा, अलग दर्पण प्रतिबिंब चेंज हो जाएगा, आठ का देखिए चेंज हो जाएगा, नौ का दूसरे तरीके से बनेगा, जीरो का चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, जीरो का जीरो रहेगा। ओके, एक फिगर दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक मिरर रखा हुआ, एक इमेज दी हुई है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनेगा। ओके, तो कैसे बनेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट राइट वाले चेंज हो जाते हैं, तो देखिए लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो देखिए ये बड़ा वाला जो भाग है
ये आदमी जो खड़ा है ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। तो देखिए लेफ्ट में है कहीं पे, तो देखिए पहले में भी लेफ्ट में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बट ये जो इसका जो पहिया वाला है कुछ भाग इसका, ये लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। तो देखिए राइट में ये जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका मिरर इमेज बताना है। तो देखिए लेफ्ट वाला ये लेफ्ट मान लेंगे, ये राइट मान लेंगे, तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ओके और ये वाला यहाँ पे, ओके राइट में। तो लेफ्ट वाला राइट में देखिए किस में है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, तो ये लेफ्ट मानेंगे, ये राइट मानेंगे। तो देखिए एरो वाला चिन्ह कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो देखिए राइट में एरो कहाँ कहाँ है, इसमें इसमें, और ये लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। ओके तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए ये लेफ्ट मानेंगे, ये राइट मानेंगे, तो ये जो गोला आपको दिख रहा है ये राइट साइड में हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी है, मतलब ये राइट साइड में ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखिए इसमें ऊपर है, इसमें देखिए बीच में आ गया, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए हमारा मिरर इमेज बताना है। तो देखिए ये वाला भाग हमारा यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट में। ओके तो देखिए ये वाला भाग हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये वाला भाग किस में, और ये जी जो भाग बना हुआ है ये छड़ी जैसी लग रही है, तो ये छड़ी इधर ऐसे तरफ हो जाएगी। तो देखिए ये किस में ये लग रहा है, तो देखिए सी वाला हमारा लग रहा है, तो ये सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए क्वेश्चन हमारा किस टाइप का, इसको लेफ्ट मानेंगे, इसको राइट मानेंगे, तो ये इधर तरफ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 9:15 का समय हो रहा है, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको 12 बजे से घटा देते हैं, मतलब 12 बजे मतलब क्या होता है, 11:60 से घटा देंगे। तो इसको हम लोग 9:50 से 11:60 से घटा के क्या आएगा, 0, 1, 2। ओके तो 2:10, दोबारा से कोशिश करते हैं। देखिए 11:60 से घटाएंगे 9:15 को, 10 में से 5 गए, 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 2, मतलब 2:45। ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दर्पण प्रतिबिंब का है। तो ये देखिए इसको लेफ्ट मानेंगे, इसको राइट मानेंगे, तो ये तीर जो नीचे वाला है इधर आ जाएगा राइट साइड में। तो देखिए राइट साइड में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगले देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ब्लैक वाला भाग हमारा राइट साइड में चला जाएगा। तो देखिए राइट साइड में ये है, ये है, और राइट साइड में ये ऊपर ही रहेगा, और ये जो त्रिभुज का ऊपर वाला जो कोण है ऊपर ही रहेगा। ओके तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। ओके और ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो देखिए इसमें भी आ गया, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगला देखिए ये लेफ्ट, ये राइट, तो ये वाला जो चिन्ह है एरो का ये ऐसे हो जाएगा। ओके राइट साइड में, तो देखिए ऐसे किस में है, इसमें है, इसमें है, और ये जो गोला है ये ऐसे जो बना हुआ है ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ओके मतलब ये इस टाइप का से हो जाएगा। ओके तो इस टाइप से, इस देखिए इसमें है, और ये जो बना हुआ है तो ये वाला हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके क्योंकि ये जो एरो जैसा बना है तो इधर साइड जा रहा है, तो इधर से ये हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये हमारा भाग है। तो देखिए ये वाला, ये इसको लेफ्ट मानेंगे, इसको राइट मानेंगे, तो ये जो नीचे लाइन खींची है तो इधर आ जाएगा। तो इधर देखिए किस में है, तो इसमें है, इसमें है, और इसमें है। तो देखिए ये वाला पूरा खाली भाग है, तो ये खाली भाग है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मिरर इमेज, ये वाला भाग हमारा इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर वाला भाग हमारा किस में होगा,
इसमें देखिए क्या क्या है, आधा अर्धगोला है, आधा गोला है और ट्रायंगल है। तो आधा गोला और ट्रायंगल किसमें किसमें है, इसमें और इसमें, मतलब ये नीचे की तरफ ट्रायंगल है तो इसमें भी नीचे होगा, तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये वाला भाग हमारा इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें ये वाला हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।